पानीपत में घर के बाहर खेल रहे 1.5 साल के बच्चे को तेज रफ्तार कार ने कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। यह हादसा मतलौडा गांव में हुआ और हादसे के वक्त कार तेज रफ्तार में थी और चालक मोबाइल फोन पर बात कर रहा था। परिजनों की माने तो दोपहर करीब 3:30 बजे उनका 1.5 साल का बच्चा पूर्वंश घर के बाहर गली में खेल रहा था। इसी बीच तेज रफ्तार कार आई और बच्चे के ऊपर से गुजर गई। हादसे के बाद परिजनों और आसपास के लोगों ने चालक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चालक मौके पर ही कार छोड़कर भाग निकला। स्कूटी खत्म करके घर आया, उसके बाद मैं सोप थोड़ा बढ़ा के दोबारा खोलने लगा, तो क्या हुआ, मैं सोप के काउंटर के पास था, बच्चा मारा, वो अपने गेट पे ही खेल रहा था, अपने जो दरवाजा होता है ना, दरवाजे पे ही खेल रहा था, पैडस है उस पे। तो अचानक से मैं जैसे काउंटर, एक गाड़ी आई, गाड़ी ने बच्चे को टक्कर मारी, ऊपर को पहिया निकाल दिया, ठीक है। इतना हम चिल्ला, इतना देखा, इतना बच्चा उठाया हमने, इतना वो गाड़ी लेके वापस फरार हो गया, इतना हमने बच्चे दूसरा पकड़ा, इतना दूसरों गाड़ी को पकड़ा ना उसको, तो वो बोला ये मेरे रिश्तेदार है, उस मारे से 3 घर पहले वाले, इतना वो उनके रिश्तेदार हो गया। इतना हम बच्चे को संभालने लगे, पानीपत लेके आए, पहले उसको छाबड़ा में लेके आए, छाबड़ा बोला उसमें ले जाओ गैलेक्सी में, गैलेक्सी वाला बोला या प्रेम में या दिशा हॉस्पिटल में ले जाओ, दिशा में एडमिट किया। दिशा में बच्चे ने 2 घंटे अपनी लाइफ लड़ी बिल्कुल दर्द के साथ, मेरे से देखा भी नहीं गया वो, ठीक है, और आखिरी में 4:56 पे उसने दम तोड़ दिया। और जबकि वो जिसने हमारी मदद करने की बजाय वो वहाँ से गाड़ी छोड़ के भाग गए, तो उसके रिश्तेदारों ने परिजनों ने इतना जैसे उसे संभालने लगे, वो उसको फरार कर दिया, वहाँ से लेके भाग गया, जबकि हमारे कोई हेल्प नहीं, कोई मदद के लिए नहीं आया। हमारा बच्चा बिल्कुल प्यारा साल था, खेलता हुआ अपने वो हर रोज ही खेलता था, लेकिन वो 18 महीने का था, 1.5 साल का बिल्कुल। इसका नाम जी जो प्रोवेंस था और हम प्यार से प्रिंस कहते थे उसको। मेरा पोता खेलता कूदता था, अपना घर के बारे आगे खेल रहा था, मैं छत पर उस पर खड़ी थी, उस पर छज्जा पा, इतना मैंने देखा गाड़ी की टक्कर मार दी उसने, इतना मैं बैज बूझ का उतर का, इतना ऊपर का पहिया चढ़ा का, इतना बैज गया मैंने बैज बूझ का, इतना छोरा उठाया, इतना उसका नहीं गए, इतना वो फरार कर दिया। बता दें कि हादसे के बाद घायल बच्चे को अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। ये बच्चा अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, जिसकी मौत के बाद परिवार में मातम का माहौल है। बहरहाल शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी कार चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है और कार भी अपने कब्जे में ले ली है, लेकिन अभी तक ना तो कार चालक की पहचान हो सकी और न ही उसे पकड़ा जा सका है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।